ओके सो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि भैया मेरी एज 15 है और कैप्सूल को कब लेना चाहिए। बेसिकली अभी मैंने कुछ टाइम पहले फिश ऑयल से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, उस पर कॉमेंट आया है। तो देखिए, ऐसी कोई एज नहीं है जिसमें ओमेगा 3 की जरूरत ना हो। और जैसे ही आपको पता ही होगा, ओमेगा 3 हमारे फिश ऑयल से मिलता है। ओके, ऐसा नहीं है कि फिश ऑयल से ही मिलता है, और भी सीड्स वगैरह है, जैसे फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ से भी ले सकते हो। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि इस एज में ले सकते हैं या नहीं, तो देखिए, आप 15 साल के हो या 14 साल या इससे भी कम के हो, तब भी आप फिश ऑयल ले सकते हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक परफेक्ट और एक अच्छा ब्रांड का होना चाहिए फिश ऑयल। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई ना कोई डर होगा कि भैया फिश ऑयल से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो देखिए, आपने ऐसी कोस्टल कंट्रीज देखी होंगी, बेसिकली जो समुद्र के किनारे है, जैसे कि यूरोप की कंट्रीज है, अफ्रीकन है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो भी फिश खाते हैं, ऑयली फिश टाइप की, जिनसे कि फिश ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। सो अगर फिश ऑयल से प्रॉब्लम हो रही होती तो इनको पहले होती। ओके, और बाहर की कंट्रीज की क्या बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि फिश खाते हैं, और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, छोटे बच्चे भी हैं, वो भी खाते हैं। ओके, सो डरने की कोई बात नहीं है, आप आसानी से ले सकते हो। और हाँ, फिर फिश ऑयल से रिलेटेड ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो कि लगता है कि इसके बाद हमें दूध नहीं पीना चाहिए, या दूध पीने के बाद हमें फिश ऑयल नहीं खाना चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत से ऐसे मिथ हैं, इनके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है और उसकी एक प्लेलिस्ट तैयार की है बढ़िया, जो कि आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। सो आप जरूर उसे देखिए और अपने मिथ को क्लियर कीजिए। ओके।